एवरी वन, दिस इज प्रज्वल वर्मा फ्रॉम MECT एस्पिरेंट्स। तो जैसे कि लास्ट वीडियो हमारा थ्योरी बेस्ड था सिर्फ, उसमें हमने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था। मैं बता देता हूँ, टॉपिक का नाम जो था क्लासिफिकेशन था, जो एक जनरल एप्टीट्यूड में चौथा चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है, क्लासिफिकेशन उसका नाम था, ठीक है। उस क्लासिफिकेशन में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। जिसने वीडियो नहीं देखा है अभी तक, जाके देख ले भाई, इससे जस्ट नीचे वाला वीडियो है हमारी, हमारे पे जाएगा, क्या बोलते हैं, हमारे YouTube चैनल पे जाना, क्लिक करना और वहाँ लेटेस्ट वीडियोस में जाके देखना, इससे नीचे वाला ही वीडियो आपको मिल जाएगा इससे, ठीक है। तो डाटा ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है उसमें। तो उसमें हमने पूरी थ्योरी डिस्कस कर ली थी, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या अप्रोच रखनी होनी चाहिए आपको, ठीक है। और यहाँ हम डिस्कस कर रहे होंगे क्वेश्चंस की वैरायटी, जिससे आपको एक प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। इस बार हमने क्वेश्चन टाइप कर दिए, पिछली बार हम लिखते थे हाथ से, बट इस बार टाइप्ड हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड दी ऑड वन आउट। तो ठीक है, ऑप्शंस को देखना चालू करते हैं। पहला जो ऑप्शन है रिंग है, दूसरा बैंगल है, तीसरा टायर है, चौथा प्लेट है। जो पहला सुनने में लग रहा था कि ये ऑर्नामेंट है, एक ज्वेलरी है, और बी ऑप्शन भी अपने ज्वेलरी है, रिंग ज्वेलरी है और बी बैंगल ज्वेलरी है, बट जो सी था वो टायर निकल गया, तो ज्वेलरी वाला कंसेप्ट तो खत्म हो गया तीन ऑप्शन में से, और प्लेट भी ज्वेलरी नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो दो उसमें से ज्वेलरी है, टायर एक प्लेट है, प्लेट खाने की वस्तु है, बाकी इनमें से कोई खाने का वस्तु नहीं है, बट एक चीज़ जो कॉमन है, रिंग गोल होती है उसमें स्पेस होती है बीच में, बैंगल भी गोल होता है उसमें स्पेस होता है बीच में, टायर भी गोल होता है उसमें स्पेस होता है बीच में, कुछ इसी टाइप की कॉन्फ़िगरेशन होती है टायर की, जैसे स्पेसियस होता है, बट जो प्लेट होता है वो पूरी गोल होती है, सॉलिड होती है प्लेट। ठीक है, तो ये प्लेट है अपनी, प्लेट में कोई भी छेद नहीं होता है, अगर प्लेट में छेद होता खाना कैसे खाते, ठीक है। तो समझदार हो, इसका मतलब प्लेट इसमें से एक अलग ऑप्शन है, बाकी ये तीन छेद वाले हैं और ये बिना छेद वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था, प्रेटी मच काफ़ी ईजी था, मेरे को लगता है सब लोगों ने गैस कर ही लिया होगा उसको ऑलरेडी, मतलब बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं है भाई, किसी को लग रहा हो कि ही बहुत टफ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ मैं इस वीडियो को देख के, नहीं, मैं एक वैरायटी कवर कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ईजी आते हैं, MECET में टफ नहीं आते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है। थ्री आउट ऑफ फोर वर्ड्स गिवन एज ऑल्टरनेटिव आर रिलेटेड टू द वर्ड गिवन इन द क्वेश्चन इन द सेम वे, फाइंड आउट द ऑड वन आउट। यहाँ पे वन होना चाहिए, मैन लिखा हुआ है, ऑड वन आउट, ठीक है। फ्रेंडशिप हमारा वर्ड है, रबड़ उठाओ जरा थोड़ी सी और ये गंदगी साफ कर दो, ठीक है। पेन ले लिया हमने वापस से अपना, और उसके बाद हमें सॉल्व करना है फ्रेंडशिप, तो यहाँ लिख लेते हैं FRIENDSHIP, ये हमारी फ्रेंडशिप लिखी हुई है, ठीक है। फ्रेंड देख रहे हो आप, FR, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार के लिए, ये ले लिया रेड, FRIEND, ये रहा फ्रेंड, आगे की डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं इसमें, हम आगे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा शिप है, शिप भी ये रहा और इसमें आगे की तरफ जा रहे हैं। फ्रेश है तीसरा ऑप्शन, FRESH, इसमें भी आगे की तरफ मूव हो रहे हैं, बट कलर चेंज करो पेन का। ड्रिप देखो आप, ड्रिप तो डी ये रहा, आर ये रहा, आई ये रहा, पी ये रहा, तो जो ड्रिप का मोशन है वो ऐसा है, पहले पीछे गया फिर आगे गया, तो ऑड जो है इसमें वो ड्रिप है, बाकी सब में जो फ्लो था वो सेम डायरेक्शन में था, इसी डायरेक्शन में लोग वर्ड चूज कर रहे थे, और बाकी इसमें पीछे भी गए और फिर आगे गए, ठीक है। तो होप करता हूँ कुछ समझ आ गया हो, ठीक है। तो जो पहली कैटेगरी थी वो भी समझ आ गई होगी आपको, और ये भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा, समझ रहे हो, ये अल्फ़ाबेट वाली प्रॉब्लम में से ले सकते हो, अगर उसको अगर इसको क्लासीफाई करना चाहते हो किसी कैटेगरी में, तो अल्फ़ाबेट और मिसलेनियस का कुछ मिक्सचर है ये, और पहला वाला तो वर्ड प्रॉब्लम था, ठीक है, वर्ड वाला था जो मैंने अभी डिस्कस किया था पिछली वाली में,
थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बैक टू बैक हम वीडियोस लेके आ रहे होंगे। अगला वीडियो भी जल्दी ही अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो इंस्टाग्राम को हमारे फॉलो कर लो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई एम सिटी एस्पिरेंट साइनिंग ऑफ।